हेलो फ्रेंड्स, आज हम ये तीन कलर से बच्चे का बूट बनाएंगे, जूता बनाएंगे। ठीक है, ये तीन कलर से। पहले आप गुलाबी कलर से भर डाल लीजिए। देखिए, 10 या 11 नंबर का कांटा में आप 40 घर डाल लीजिए। ठीक है, 40 घर इस तरह से डाल लीजिए। इस तरह से 40 घर डाल लीजिए। 40 घर डालने के बाद एक घर सीधा, एक घर उल्टा, एक घर सीधा, इस तरह से पूरा लाइन कंप्लीट कीजिए। एक घर सीधा, एक घर उल्टा, इस तरह से ये लाइन कंप्लीट कीजिए। एक घर सीधा, एक घर उल्टा, ये लाइन कंप्लीट कीजिए। ये पहला लाइन कंप्लीट हो गया। अब पीछे साइड से भी जो सीधा है उसे सीधा बुनेंगे, और जो उल्टा है उसे उल्टा बुनेंगे। ठीक है, यानी पीछे साइड से भी एक घर सीधा, एक घर उल्टा, एक घर सीधा, इस तरह से हम 8 कांटा बुनेंगे। ठीक है, एक घर उल्टा, एक घर सीधा, इस तरह से 8 कांटा बुन लीजिए। बॉर्डर 8 कांटा बुन लीजिए। देखिए, ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम 1 2 3 4 घर उल्टा सीधा बिनने के बाद हम यहाँ एक जाली बनाएंगे। ठीक है, यहाँ एक जाली बनेगा, फिर 8 घर के बाद फिर जाली बनेगा। 2 3 4 5 6, ये 7 8, 8 घर के बाद फिर एक जाली बनेगा। ठीक है, इस तरह से पूरा काटा में 8-8 घर के बीच बीच में जाली बना लीजिए। ठीक है, ये लाइन कंप्लीट कीजिए। फिर हम यहाँ पर एक जाली बनाएंगे। कंप्लीट हो गया। जाली बनाने के बाद 8 कांटा और बिन लीजिए उल्टा सीधा इसी तरह से। ठीक है, जाली बनाने के बाद 8 कांटा और उल्टा सीधा बिन लीजिए। अब हम फिर 4 कांटा बिन के 4 घर बिनेंगे। ये जो है जाली हम बनाए थे, तो ये दोनों को एक साथ हम बिन लेंगे। ठीक है, ये दोनों को एक साथ जहाँ जहाँ पर जाली है वहाँ वहाँ दो घर एक साथ बिन दीजिएगा। इस तरह से 8 कांटा कंप्लीट कर लीजिए। ठीक है, देखिए इस तरह का ये जाली आएगा। आप इसमें फीता डाल सकते हैं बच्चों के लिए, अगर मोजा ढीला हो गया हो तो बांधने का काम आएगा, इसीलिए जाली ज़रूर बनाना चाहिए। ये दोनों को एक साथ बंद कर दीजिए। इस तरह से जाली आएगा, ये लाइन कंप्लीट कीजिए। 8 कांटा उल्टा सीधा बिन के कंप्लीट कीजिए। ठीक है, देखिए ये भी कंप्लीट हो गया। देखिए ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैंने जाली देने के लिए हम 8 कांटा यहाँ बिने, 8 कांटा यहाँ बिने, यानी 16 कांटा हम बिन चुके हैं। अब हम क्या करेंगे,
साइड साइड से तेरे तेरे घर उतार लेंगे। देखिए साइड साइड तेरे तेरे घर हम छोड़ के बीच में हम 14 घर बचता है उसको बीनेंगे, ठीक है। ये तेरे घर उतार लेंगे कांटा पर, और ये बीच का घर को हम बीनेंगे। ये तेरे घर पहले उतार लीजिए इस कांटे पर, दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह। इस तरह से हम 13 घर उतार लिए हैं, 3 3 6 9 12 13 13 घर इस तरह से उतार लीजिए, और 13 घर इधर भी उतार लीजिए, ठीक है। और बीच में 14 घर बचता है उसे हम बीन लेंगे। अब हम बीच का 14 घर को बीन लेंगे, ऊन लगाएंगे यहाँ पर, ठीक है। एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह, ठीक है। यहाँ बच जाएगा 13, 3 3 6 3 9 12 1 13, यहाँ भी 13 घर बचता है, ठीक है। देखिए ये 13 13 घर है, बीच में 14 घर है, ठीक है। अब हम इसको हम बीन लेते हैं। अब सिर्फ बीच वाले को ही बीनेंगे, एक घर उल्टा एक घर सीधा। या फिर आप पिन पे उतार लीजिए। ये जो बीच वाला है, ये बीच का जो है 14 घर, उसको 20 काटा तक बीन लीजिए, ठीक है। बीच वाले को 20 काटा बीन लीजिए, एक घर उल्टा एक घर सीधा करते हुए। सिर्फ बीच वाले को 20 काटा लंबा बीन लीजिए, ठीक है। ये दोनों को नहीं बीनना है, सिर्फ बीच वाले को बीनना है, 20 काटा तक बीन लीजिए। देखिए इस तरह से ये 20 काटा बीना गया है, ठीक है। इसको एक और बीन लेते हैं। इस तरह से ये 20 काटा बीन लीजिए। 20 काटा बीनने के बाद हम दूसरा कलर लगाएंगे, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया। कर देंगे अब इधर वाले भी घर को हम इसको उठा लेते हैं। इसमें सफ़ेद ऊन हम लगाएंगे, ये कलर का।
ओके, अब एक काटा पर ये आ गया है, इस पर सफ़ेद ऊन अटैच कीजिए। ऐसे गिट्ठा लगा दीजिए यहाँ पे। अब एक घर उल्टा एक घर सीधा इस तरह से बिन लीजिए, जितना घर है उसको बिन लीजिए। एक घर उल्टा एक घर सीधा इस तरह से। सफ़ेद ऊन बिनने के बाद अब हम इस साइड में जो है 14 घर उठाएंगे, ठीक है। इस साइड में 14 घर उठा लीजिए इस तरह से, दोनों साइड 14-14 घर उठा लीजिए। बीच में जो उल्टा सीधा है उसको उल्टा सीधा ही बिनना है, ठीक है। इस तरह से 3-4 इस तरह से साइड में 14 घर उठा लीजिए। देखिए साइड में हम 14 घर उठा लिए हैं। अब इसको ऐसे धागा को बांध दीजिए। अब इस घर को भी हम उल्टा सीधा बिन लेंगे, जो उल्टा है उसे उल्टा, जो सीधा है उसे सीधा। इस तरह से बिन लीजिए, जो उल्टा है सो उल्टा, जो सीधा है सो सीधा। अभी साइड भी 14 घर उठा लीजिए, अभी जो उल्टा सीधा है उसे बिन दीजिए, ठीक है। इस तरह से देखिए, इस तरह से इधर भी 14 घर उठा लिए हैं। अब इसको भी वाइट कलर से, जो सीधा है उसे सीधा, जो उल्टा है उसे उल्टा बिन लीजिए, ठीक है। अब उल्टा साइड भी, यानी सफ़ेद रंग से दो कांटा बिनना है, दो कांटा बिन के कंप्लीट कीजिए। उल्टा साइड से जो सीधा है सीधा, जो उल्टा उल्टा, बॉर्डर बिन लीजिए, ठीक है। जो घर हम उठाए थे उसमें भी एक घर सीधा एक घर उल्टा, बॉर्डर के हिसाब से पूरा बिनते जाइए। एक घर सीधा एक घर उल्टा, एक घर सीधा एक घर उल्टा, इस तरह से पूरा बॉर्डर बना लीजिए, ठीक है। अब दो कांटा गुलाबी कलर से हम बिनेंगे बॉर्डर, दो कांटा गुलाबी कलर से। इसी तरह से बॉर्डर बिनना है, दो कांटा गुलाबी कलर से बनाइएगा और फिर ये कलर लगाना है, ठीक है। इसी तरह से बॉर्डर बिनना है। दो कांटा इससे भी बिनिएगा, दो कांटा गुलाबी से, दो कांटा, 4 कांटा भी बिन लीजिए दोनों कलर से। देखिए दो सफ़ेद कलर से, दो पिंक कलर से और दो ब्लू कलर से हम बिन चुके हैं, ठीक है। एक घर सीधा एक घर उल्टा करके पूरा ये कंप्लीट किए हैं। देखिए ये पूरा बिन चुके हैं। अब हम क्या करेंगे कि ब्लू से ही पूरा उल्टा बिनेंगे, ठीक है। सीधी की ओर भी एक घर उल्टा, एक कांटा उल्टा, फिर पीछे तरफ से भी पूरा उल्टा, यानी दो कांटा पूरा उल्टा बिनना है। इसमें बॉर्डर नहीं बिनना है, ठीक है। इसमें बॉर्डर नहीं बिनना है, पूरा उल्टा उल्टा बिनना है, ठीक है। इस तरह से पूरा उल्टा, दो कांटा उल्टा बिन लीजिए, दो कांटा पूरा उल्टा बिन लीजिए सीधी तरफ से, फिर पीछे तरफ से, ठीक है। दो कांटा पूरा उल्टा बिनिए दोनों तरफ से।
देखिए अब ये दो काटा हम बीन चुके हैं, पूरा उल्टा, सीधी ओर से भी, अब पीछे साइड से भी पूरा उल्टा, ठीक है। दो काटा उल्टा बीनने के बाद अब हम पिंक कलर का ऊन जोड़ेंगे। पिंक कलर का ऊन जोड़िए। इसमें क्या है कि जैसे हम शुरू में बनाए थे एक घर सीधा एक घर उल्टा, तो उसी तरह से ये बॉर्डर बनेगा, ठीक है। एक सीधा एक उल्टा, फिर हम इसमें बॉर्डर बनाएंगे। इसी तरह से कंप्लीट कीजिए, ठीक है। एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, इस तरह से पूरा कंप्लीट कीजिए लाइन। अब पिंक कलर से एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, चार काटा तक बीनिए, ठीक है। देखिए चार काटा अब हम बीन चुके हैं। चार काटा बीनने के बाद अब पूरा वो घर को हम बंद कर देंगे, ठीक है। इससे पूरा घर को बंद कर दीजिए, दो दो घर एक साथ बंद करिए, इस तरह से दो घर को एक साथ बीन कर बंद कीजिए। दो घर एक साथ बंद कीजिए, ठीक है। इस तरह से पूरा घर को बंद कर लीजिए। इस तरह से पूरा घर बंद कर लीजिए, ठीक है। देखिए इस तरह से ये घर बंद हो गया है, ये कंप्लीट हो गया। इसे अब गिट्ठा बांध दीजिएगा इस तरह से। देखिए ये कंप्लीट हो गया। तो इसको इस तरह से उलट के यहाँ हम सिलाई करेंगे और यहाँ सिलाई कर देंगे, ठीक है। ये दोनों साइड सिलाई कर दीजिए। इस तरह से पूरा सिलाई कर दिया।
देखिए इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब आप इसमें है फूल पत्ती जो भी सजा दीजिए। देखिए अब ये कंप्लीट हो गया है। ठीक है, आप इस तरह से वाइट ऊन से किसी भी कलर के ऊन से 60 चेन बना लीजिए। 60 चेन बना के यहाँ फीता के लिए ये बना लीजिए। ठीक है, जैसे ये हम बनाए हैं, देखिए ये फीता, ये बबल बना लीजिए, ये फ्लावर बना लीजिए। ठीक है, ये फ्लावर बना के इसमें लगा दीजिए। इसका इधर साइड आप लगाए हैं तो इसका इधर साइड आप लगाइएगा, इधर साइड। ठीक है, ये इधर साइड है तो इसका इधर साइड लगाइएगा। इस तरह से ये जूता आप कंप्लीट कर दीजिए। ठीक है, बाय। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बाय। ये बबल और फ्लावर बनाने के लिए हम वीडियो में लोड किए हुए हैं, आप उसे देख के बना सकती हैं। ठीक है, बाय।